सारा ही लिफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर चलती है। जब भी कोई हादसा होता है तो इमरजेंसी ब्रेक इन्हें जगह पर टिकाए रखती है। इस केबल को काटते तुम लोग नीचे जाओगे। क्या विल? डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आग को पार करते हुए जाओगे और मैग्नेट फिर से एक्टिव हो जाएंगे जैसे तुम आग के दायरे से गुजरोगे, और उसके बाद तुम्हें यह हैंडल खींचना होगा ताकि ब्रेकिंग सिस्टम शुरू हो पाए। आग के दायरे से निकलने के लिए तुम्हें 500 फीट नीचे जाना होगा और तुम्हें 5 घंटे ही यह हैंडल खींचना होगा। ये क्या कह रहे हो? यकीन करो मेरा। ठीक है, तुम ठीक हो ना बेटा? बस डर लग रहा है। डरना कोई बुरी बात नहीं होती, बहादुर बनने के लिए थोड़ा डरना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त बहादुर बनो। डैड के लिए इतना करोगे ना? हाँ। तो बिल्कुल घबराना नहीं बेटा। डैड का फेवरेट कौन? मैं। सही कहा, फिक्र मत कर। ठीक है, ओके बेबी, अब यहाँ बैठ जाते हैं। हमें ये मिलकर करना होगा। ओके, ठीक है। आई लव यू। What's it come? बिजनेस पार्टनर मेरी एक कीमती चीज लेकर उन दरवाजों के पीछे छिप गया है और उसे मेरे लिए तू लाएगा। मेरी बात सुनो, ये दरवाजे अगर खुल सकते हैं तो सिर्फ अंदर से या फिर इस मंजिल पर लगे फायर अलार्म से, पर वो तो हो नहीं सकता क्योंकि पूरा सिस्टम तुमने ठप कर दिया है। अच्छा, ये बात है, तो चल अब मेरी एक बात सुन। हर इंसान की एक कमजोरी होती है जिसे ढूंढना आसान होता है, और जैसे ही पता चल जाता है काम आसान हो जाता है। जाओ की कमजोरी ये बिल्डिंग है, और तेरी कमजोरी है तेरा परिवार। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से हमें कुछ गतिविधियों की जानकारी मिली है। हम आपको कॉल रूम प्लाजा लिए चलते हैं, जहां पर ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ लोगों की जान बच गई। वैसे इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि कितनी भयानक आग में भी किसी की जान बची। ऐसा लगता है कि विलियम सॉयर का परिवार है। विलियम सॉयर की हालत सुरक्षा का निरीक्षण। ओके, इन दरवाजों को खोलने का कोई तो तरीका होगा। यहाँ से सबसे करीबी कंट्रोल पैनल कहाँ है जहाँ से ये दरवाजे खुल सकते हैं? अच्छा, टर्बाइन्स के पीछे। अब ये क्या मुसीबत है?